लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर गई। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना त्याग कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है? आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजा, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजा, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर रहने दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजा, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह यह सब सुख सुविधाएं त्याग कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ? साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया
और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी चार आदतें बनती हैं, और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर यह चार अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो चार आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर जाने लगता है, और दूसरी पूरी हो गई है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण किसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजा, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनका सबसे प्रमुख कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजा, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी खराब हो जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में फंसकर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच अधिक हो जाता है और उसके मन में और कई जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजा, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को त्याग देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं त्यागता है
उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जागता है, उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्ध।